तो हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब दोस्तों? आप लोग शायद अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक है कि अगर AJ 600 AJ अगर गाड़ी एयर ले लिया तो एयर कैसे निकालेंगे। आज की वीडियो में ये बताऊंगा, मेरा गाड़ी अभी एयर लिया है, मैं लाइव वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा। और बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गया तो अभी स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या है डीजल खत्म होता है तो अभी बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है कि मेरा गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, चलते हैं फिर। तो आप लोग देख सकते हो इसमें अभी एयर निकालने के लिए तो मस्त है। अभी देखो ये मोटर लगा ऑलरेडी ताकि आप लोग को एयर निकालना ना पड़े, किसी में निकालना पड़ता है। ठीक है, जैसे मेरा दूसरा वाला गाड़ी उसमें निकालना पड़ता है। और देखिए ये पंप मारने के लिए है, ये पंप मारते हैं पहले, दाब के रखने का टाइट होगा, उसके बाद स्टार्ट करने का। स्टार्ट कीजिएगा हेल्प नहीं आ रहा ना, रुकिए वैसे वैसे रुकिए, बस रुकिए वैसे। और ये जो दिख रहा है इसे आप बंद कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अगर काम नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट बंद कर सकते हो, कॉइल जल गया तो। ठीक है, इसे चलिए अभी बैटरी हम लोग अटैच करके स्टार्ट करते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो गया। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने बहुत प्रयास किया स्टार्ट करने के लिए डायरेक्ट बैटरी करके, फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि ये बैटरी भी पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, इसके लिए स्टार्ट नहीं हुआ। अभी हम लोग इसको बैटरी निकालेंगे, दूसरा बैटरी लगाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होने के बाद उसको आराम से निकालेंगे और उसके बाद ऐसा आराम से बैठाएंगे, उसके बाद बैटरी ये चार्ज होने लगेगा। ठीक है, अभी पकड़ वकड़ हमारे पास है नहीं, अभी पकड़ मंगाता हूँ, उसके बाद वो करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी अपना स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट करके अभी दिखाया क्योंकि अभी आवाज़ चिल्लाहट होगा, इसके लिए मैं बंद कर दिया। तो देखो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, रेड वाला जो है प्लस में लगाना है और जो ब्लैक वाला रहेगा वो माइनस में लगाना है। कुकी ध्यान से देख लीजिएगा, प्लस है तो रेड वाला लगेगा, ठीक है ऐसा, और माइनस में जो है वो ब्लैक लगेगा। ठीक है, उधर भी ऐसा ही है। अभी स्टार्ट नहीं हो रहा था, डायरेक्ट मैं लगा रहा था दूसरे बैटरी में अटैच करके, तो नहीं हो रहा था क्योंकि ये बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो चुका था, इसके लिए भी बैटरी मेरे को वो लगाना पड़ा। लगाने के बाद स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद उसको ध्यान से मैं इसको निकाला आराम से, तो कपड़ा लपेट लिया दोनों में, उसको भी कपड़ा लपेट के अच्छा से पकड़ लिया ताकि इसमें फॉल्ट नहीं करे, नहीं तो आग बढ़ जाएगा, लुत्ती फेंकेगा। उसको आराम से निकाल दिया, उसको बांधने के बाद आराम से पकड़ लिया इधर, उसके बाद इसके निकाल दिया बाहर बैटरी को और वो बैटरी लगा दिया, मतलब ये जो पहले वाला मेरा जो चार्ज नहीं था वो लगा दिया और इसको बढ़िया से बैठा दिया। और गाड़ी स्टार्ट ही था अपना, डायरेक्टली लगा दिया, बैटरी चार्ज होने लगा, उसके बाद अभी स्टार्ट हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी स्टार्ट करके दिखाता आपको। तो यहाँ देखो बैटरी का दिया है, बैटरी यहाँ पर नहीं जलता है, बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो बता रहा था। देखते हो आप लोग, अभी इसका कॉइल ख़राब हो गया है, इसके लिए इसको डायरेक्ट बंद करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग को बैटरी जब वहाँ चार्ज हुआ था एयर लिया था तो मैं दिखाया था एयर निकाल के दी, क्योंकि रस्सा उसमें बांध दिया हूँ, खींचता हूँ बंद किया था, कॉइल इसका ख़राब हो गया है, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरे दोस्त बहुत सारे कमेंट किए थे कि अगर मैं 60 फीट 80 फीट 120 1350 अल्ट्रा बूम और 72 फीट का ट्रक माउंटेन चलाऊं तो मेरा पेमेंट कितना रहेगा। देखो पेमेंट तो आपके टैलेंट के ऊपर होता है। ठीक है, टैलेंट आपका रहेगा तो पेमेंट आपका ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, कहीं भी जाएंगे टैलेंट आपके पास रहेगा तो पेमेंट आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, बात कीजिए कंपनी में, कंपनी अच्छा देखिए, एक कंपनी में आप रेगुलर रहेगा तो पेमेंट, तो मैं यही बोलूँगा कि पेमेंट आपका बढ़ेगा और साल में 1000 या 1500 आपका सेट के ऊपर है, आप खुश रखोगे। जैसे गाड़ी ब्रेकडाउन नहीं डाल रहा है, मतलब साल में, मतलब गाड़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं डाल रहे हो, अगर गाड़ी ख़राब हो रहा है तो आप अपने आप से ठीक कर दे रहे हो, मैकेनिक नहीं आ रहा है तो आपका सेट खुश होकर साल में आपका 1500 पे, मतलब वो तो कोई भी कंपनी बढ़ाता ही रहता है, बढ़ेगा आपका पेमेंट, ऐसा दिक्कत नहीं होगी एक कंपनी में रहोगे तो। ठीक है, और जैसे कि अभी 60 फीट में अगर पुराना होते जाओगे तो 16000-17000 पेमेंट मिला, किसी किसी को तो 18000 मिला है, तो वैसे नहीं बता सकता। अभी अगर ऐसे चला रहे हो तो 80 फीट पे 17000-18000 आराम से मिल जाएगा अगर आपके पास वायलेंट है और हाईवे लाइसेंस रखे या रखे हैं तो। और दूसरी बात, 120 चला रहे हैं तो आपका 20-22000 आराम से मिलेगा, 12 घंटा ड्यूटी रहेगा, 20000 तो आराम से कोई भी कंपनी में जाएंगे आपको मिल जाएगा, 20000 तो आराम से मिल जाएगा, 19-20000-22000 आपके टैलेंट के ऊपर रहेगा, लेकिन हाईवे लाइसेंस रहना चाहिए। ठीक है, बिना हाईवे लाइसेंस का कोई काम नहीं, फर्जी लाइसेंस नहीं चलता है। ठीक है, और हमारे वीडियो में अगर कोई भी पार्ट आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब थोड़ा ज़्यादा कीजिए यार, और कमेंट भी ज़्यादा कीजिए ताकि हमको बनाने मज़ा आता है वीडियो यार। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।